इस समय की वड्डी खबर आ रही है कनेडा दे वैंकूवर तो। वैंकूवर दे विच 2021 दे विच जेकर देखा जाए तो 13 होमसाइड के मामले सामने आ चुके ने। इत्थे यूनाइटेड नेशन गैंग के नाल जुड़े एक व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि की गई है। यूनाइटेड नेशन गैंग के नाल जुड़े एक गैंगस्टर की मौत होने का मामला सामने आया। गैंगस्टर नू गोली मार के कतल किया गया। डाउनटाउन वैंकूवर होटल दे विच रह रहे इस गैंगस्टर जिसका नाम अमन बंज दसिया जा रहा है उसनु होटल दे विच ही गोली लगी और उस तो बाद उसकी मौत होने की पुष्टि पुलिस के वलों कर दी गई है। जानकारी अनुसार 2018 दे विच मैक्सिको च अमन दे छोटे भरा नूं भी गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी जिसका नाम जोत सिंह सी अते हो अमन दा छोटा भरा सी। हाले यह नहीं कहा जा सकता कि यह उही मामला अते उस मामले दे नाल जोड़ के नहीं देखा जा सकता। पुलिस के वलों इस मामले के बारे हाले तक कुछ भी नहीं दसिया गया ते ना ही किसी व्यक्ति नू इस दे विच गिरफ्तार किया गया। 31 साला अमन मंच नू गैंगस्टर के तौर पर जाने जाता सी अते हो यूनाइटेड नेशन गैंग के नाल काफ़ी समय तो जुड़िया होया सी। पुलिस ने नहीं दसिया कि आखिरकार मौत दे पिछे दा कारण की हो सकता है, क्यों उसनू गोली मारी गई अते किसने गोली मारी इस बारे भी पुलिस दे वल्लों कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिता गया। पर यह जरूर पता लग्या है कि 2021 दे दौरान यानी कि इस साल दे विच बीते 8 महीनों ते हुण इस मौजूदा समय नू मिला के देखा जाए तो 13 होमसाइड दे मामले वैंकूवर कैनेडा दे विच सामने आ चुके ने। पुलिस नू इस सारी घटना की जानकारी तकरीबन 3:30 बजे मिली सी कि होटल दे विच गोली चलण दे नाल गैंगस्टर अमन मंच का कतल किया गया। अमन मंच की मौत हो गई है। दसिया गया कि 2009 दे विच अमन नू हथियारां दे नाल संबंधित एक मामले दे विच भी गिरफ्तार किया गया सी। पुलिस ने इस घटना नू टारगेटेड दसिया अते भी कहा जा रहा है कि इस मामले दे विच हले किसी भी सस्पेक्ट नू गिरफ्तार नहीं किया गया। पर यह जरूर साबित हो गया, यह जरूर जाहिर किया गया है कि डाउनटाउन वैंकूवर होटल दे विच ही सी अमन मंच अते उस समय ही गोली लगन तो बाद अमन की मौत हुई है जिसकी उम्र तकरीबन 31 साल की दसी जा रही है। अमन यूनाइटेड नेशन गैंग के नाल जुड़िया होया सी अते 2009 दे विच हथियारां दे नाल संबंधित एक मामले दे विच अमन नू गिरफ्तार भी किया गया सी। जानकारी अनुसार 2018 दे विच मैक्सिको च अमन दे छोटे भरा नू भी गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी जिसका नाम जोत सिंह सी अते हो अमन दा छोटा भरा सी। हाले यह नहीं कहा जा सकता कि यह उही मामला अते उस मामले दे नाल जोड़ के नहीं देखा जा सकता। पुलिस दे वल्लों इस मामले दे बारे हाले तक कुछ भी नहीं दसिया गया ते ना ही किसी व्यक्ति नू इस दे विच गिरफ्तार किया गया। 31 साला अमन मंच नू गैंगस्टर दे तौर ते जाने जांदा सी अते हो यूनाइटेड नेशन गैंग दे नाल काफ़ी समय तो जुड़िया होया सी। दो हज़ार नौ का भी एक मामला है उस दे विच भी उसका नाम सामने आया सी। दस दिए कि लॉयर
मेनलैंड दे विच गैंग कन्फलिक्ट लगातार वधदा जा रहा है। पुलिस ने नहीं दस्या कि आखिरकार मौत दे पिछे दा कारण की हो सकता है, क्यों उसनों गोली मारी गई अते किसने गोली मारी, इस बारे भी पुलिस दे वल्लों कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिता गया। पर यह जरूर पता लग्या है कि 2021 दे दौरान यानी कि इस साल दे विच बीते 8 महीनों ते हुण इस मौजूदा समय नूं मिला के देखा जावे तां 13 होमिसाइड दे मामले वैंकूवर कैनेडा दे विच सामने आ चुके ने। पुलिस नूं इस सारी घटना की जानकारी तकरीबन 3:30 मिली सी कि होटल दे विच गोली चलण दे नाल गैंगस्टर अमन मंच का कतल किया गया। अमन मंच की मौत हो गई है। दसिया गया कि 2009 दे विच अमन नूं हथियारां दे नाल संबंधित एक मामले दे विच भी गिरफ्तार किया गया सी। पुलिस ने इस घटना नूं टारगेटेड दस्या अते भी कहा जा रहा है कि इस मामले दे विच हाले किसी भी सस्पेक्ट नूं गिरफ्तार नहीं किया गया। पर यह जरूर साबित हो गया, यह जरूर जाहिर किया गया है कि डाउनटाउन वैंकूवर होटल दे विच ही सी अमन मंच अते उस समय ही गोली लगन तो बाद अमन की मौत हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 31 साल की दसी जा रही है। अमन यूनाइटेड नेशन गैंग के नाल जुड़िया होया सी अते 2009 दे विच हथियारां दे नाल संबंधित एक मामले दे विच अमन नूं गिरफ्तार भी किया गया सी। अठ महीनों ते हुण इस मौजूदा समय नूं मिला के देखा जावे तो 13 होमिसाइड के मामले वैंकूवर कैनेडा दे विच सामने आ चुके ने।